Guys, welcome back, and we'll continue further in our chapter. We are doing basic concepts of organic chemistry. और उसमें okay मैंने actually ये chapter तीन part में divided है. तीन में से दो part करवाए. पहला part था IUPAC nomenclature. Third part मैंने पहले करवा दिया, that is isomerism. And now this is the third part or second part, whichever you want to say, is theory, basic theory, which are very important again for the 12th standard. Okay, इसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं basic theory में थोड़े से concepts सीखेंगे. पहला है bond fission. पहला कौन सा? Bond fission. Fission का मतलब होता है breaking of any covalent bond of the compound is known as bond fission. A bond can be broken by two ways. दो तरीके से ये bond टूटने वाला है. पहला वाला होता है homolytic fission and second वाला होगा hydrolytic fission. Let me explain you. Normally homolytic fission का मतलब होगा it occurs in the gaseous phase or a non-polar solvent and is catalyzed by reason, मतलब किसी ने किसी catalyst की जरूरत पड़ेगी. Gaseous phase में होता है या तो non-polar compound होगा तभी होगा. जैसे कि for an example chlorine Cl2 है, उसमें chlorine chlorine के बीच का bond है. सपोज ये बॉन्ड टूटा. कैसे टूटा, क्यों टूटा हुआ, अभी डिस्कशन नहीं कर रहे. अभी हम खाली की चीज देख रहे हैं. सपोज ये बॉन्ड टूटा, और टूटा तो किस तरह से टूटा मालूम है? क्लोरीन क्लोरीन का ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब बोथ ऑफ देम दे आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन ईच इन ए कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स, इट विल ब्रेक इन सच ए वे कि देयर आर टू क्लोराइड, फ्री रेडिकल विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ईच ऑफ देम विल टेक वन वन इलेक्ट्रॉन. जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो टूटेगा, इक्वली टूटेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल. इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं जब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं. फ्री रेडिकल के बारे में और डिटेल में बताने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट. बट राइट नाउ इन सच फिजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. हियर द बॉन्ड पेयर इज इक्वली शेड आफ्टर द फिजन. फिजन के बाद दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे. जैसे कि ए और बी के बीच में बॉन्ड था, वो टूटा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले. यहाँ पे मुझे क्लोरीन का एग्जांपल दिया, दिस बोथ आर फ्री रेडिकल्स. अनदर एग्जांपल मीथेन के अंदर, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, दिस इज मीथेन. मीथेन लिखने का और एक तरीका है, CH3H. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, आपको मिला मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. बट यू कैन सी दैट नॉर्मली वी नीड अ कैटलिस्ट. यहाँ पे कैटलिस्ट के तरीके से यूज कर रखा है, वो है HMU. HMU स्टैंड्स फॉर द फोटोन लाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में वो करेगा रिएक्शन. आर यू गेटिंग दैट? वो था होमोलिटिक फिजन. अभी हम जो सीख रहे हैं वो है हेट्रोलिटिक फिजन. नॉर्मली इट अकर्स इन पोलार सॉल्वेंट्स. यू नो अबाउट पोलारिटी एंड नॉन पोलारिटी. जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन नॉन पोलार था, लेकिन अगर उसकी जगह पे HCl है, इट इज पोलार. ओके, नॉर्मली इट अकर्स इन पोलार सब्सटेंस. कैटलाइज एसिड की वजह से एसिड यूज करोगे या तो बेस यूज करोगे, नॉर्मली उसको एज ए कैटेलाइज की तरह, कैटेलिसिस की तरह यूज करते हैं. एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट. जिसके अंदर पानी के अंदर भी करते हो, उसकी पोलारिटी कितनी है उससे काफी फर्क पड़ने वाला है. जब इसका बॉन्ड टूटता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने शेयर किए थे, बॉन्ड टूटा, तो इन दोनों में से कोई एक वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम बोलेंगे एनायन. एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे ओके ये ग्रुप के पास गया, ओके आर अल्काइल ग्रुप ने वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इट कन्वर्ट्स इनटू कैटायन. जरूरी नहीं कि हर बार ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन लेके जाए, उल्टा भी हो सकता है. जैसे कि इसके अंदर ओके अल्काइल ग्रुप ने एनायन बनाया एंड ये क्या बना हुआ है. सो होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, वेयर इज हेट्रोलिटिक फिजन से आपको केटायन एनायन मिलता है. क्या मिलता है? केटायन एनायन. बराबर, ये समझ में आ रहा है? ओके, इसमें इक्वली शेयर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक लेके चला जाएगा. इज दिस फाइन? वन मोर थिंग, अगर आपके पास केटायन है उस तरीके से कि इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वैसे केटायन को हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन. व्हाट डू वी कॉल इट? कार्बोनियम. ओके, अनदर वे वी कॉल देम समटाइम्स, वी कॉल इट कार्बोकेटायन. व्हाट डू वी कॉल इट? कार्बोकेटायन. एंड अगर आपका एनायन बना जो कार्बन के साथ है, अल्काइल ग्रुप क्या है? कार्बन के साथ, देन इट इज नोन एज कार्ब एनायन. तब उसको क्या बोलते हैं? वी शुड नो व्हाट इज कार्बोकेटायन, वी शुड नो व्हाट इज कार्ब एनायन, वी शुड नो व्हाट इज फ्री रेडिकल्स.
Yes, I have not gone in detail, but I have introduced them to you. Okay. The factor which favors hydrolysis is a greater difference. Okay. Hydrolysis normally कब होगा? जब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड हो रहा है, इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर या तो कंपाउंड या तो ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शुड बी वेरी हाई. ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड या हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन वो ज्यादा होगी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो नॉर्मली वो क्या बनाएगा? होमोलिटिक फ्यूजन. ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए. दस हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन गिव्स कार्बोकेटायन एंड as the reaction is contributed. Now we'll continue for the carbocation. में हम देखेंगे